नमस्कार दोस्तों, आज मैं खेत के इस तरफ आया था खेतों को देखने कि कहीं कोई पानी कहीं से लीकेज तो नहीं हो गया खेत से। ये यहाँ से अक्सर डोला टूट जाता है और पानी लीकेज हो जाता है, लेकिन आज लीकेज नहीं है और यहाँ से यहाँ झील में ये पानी निकल जाता है। यहाँ पर ये नीम लगा हुआ है, यहाँ पे यहाँ नीम की साइड में यहीं पर एक सहतूत था। जब ये मिट्टी उठवाई ना, ये मिट्टी उठवाई यहाँ से, तो उन्होंने वो क्रेन का डाला मार कर उन्होंने वो सतूस गिरा दिया। फिर से ये अकेला नीम ही है, तब से यहाँ पे ये नीम है। पेड़ों को हमें काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ों का एहसास हमें तब होता है जब यहाँ पर गर्मी में दोपहर में कोई पेड़ नहीं मिलता छांव के लिए। पेड़ों से हमें छांव ही नहीं मिलती, बल्कि ईंधन भी मिलता है, फल भी मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पेड़ों से इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और मैं आपसे बताना चाह रहा था कि जब मैं इस तरफ आ रहा था, अब तो मैं जा रहा हूँ, जब मैं इस तरफ आ रहा था तो मैंने यहाँ पर एक ऐसी चीज़ देखी जो देखकर मैं एकदम डर गया, एकदम वो आँखों के सामने आ गई। और अब मैं आपको भी वह चीज़ दिखाने वाला हूँ। आखिरकार वह क्या है? ये चीज़ है, वो देखिए ये क्या चीज़ है, क्या आप इसे पहचानते हैं? देखिए, ये एक नाग की केंचुली है। केंचुली ये बहुत लंबी है, इसका मुंह इस तरफ है, ये इसकी केंचुली है, इसका मुंह है और ये ऐसे ऐसे है। ये इसका नीचे वाला हिस्सा है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा। ये अच्छी लंबी केंचुली है। जब ये एकदम मेरे सामने आई तो मैं भी डर गया, भाई ये क्या चीज़ है। देखिए बहुत लंबी केंचुली है। देखिए जब एकदम सामने आ जाती तो डर तो लगता ही है। इसको वहाँ ले चलते हैं। उस दिन जब हम यहाँ पे आए थे तो हमने ये यहाँ पे पाइप दाब दिया था, जो कि इस खेत का पानी इस खेत से इस खेत में ट्रांसफ़र करेगा। और ये जो यहाँ पे ये खेत है, ये पहले इस मिट्टी जितना ऊंचा था, इस मिट्टी जितना, फिर इसकी भी मिट्टी उठवा दी और ये अब इन खेतों से भी नीचे आ गया है। ये जो ये खेत थे, ये इससे भी ऊँचे थे और मिट्टी उठवाने के बाद अब दोनों झील में चले गए हैं। यहाँ पे एक प्लास्टिक की बोतल है, इस बोतल को हम यहाँ पे रख देते हैं ताकि ये पानी में ना आए। जब इस खेत में पानी चलाएंगे तो ये नहीं आएगी। तो अब हम चलते हैं, जो केंचुली मिली थी हमें, उस केंचुली को उठाते हैं और केंचुली को यश को दिखाऊंगा। यश भी डर जाएगा केंचुली देखकर। और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, उनको भी केंचुली दिखाएंगे। जो ये आपको सामने बिल दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से बहुत पानी निकलता, बहुत दुखी करता है ये बिल। यहाँ पे परसों निकला था और बहुत मिट्टी यहाँ पे यहाँ से उठा के डाली थी। आधा घंटा वेस्ट कर दिया इस बिल ने। चलो दिखाता हूँ इस बिल के अंदर क्या है। देखिए ये बिल कुछ इस तरह से दिखता हो, और यहाँ से निकलता पानी, यहाँ से बहुत लंबा हो गया था ये यहाँ तक। फिर ये मिट्टी डाली और फिर बहुत देर में जाके ये कंट्रोल में हुआ था। चलो तो अब केंचुली को उठा लेते हैं और हम बच्चों को दिखाएंगे इस केंचुली को। चलते हैं, बच्चों को दिखाएंगे। वहाँ पर जाने से पहले हमने ये छोटी सी क्यारी भरनी पड़ेगी, वहाँ तक फिर जाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से खोल देते हैं। लो भाई, पानी स्टार्ट हो गया है और अब ये 20 से 25 मिनट में भर जाएगा, जो अगर बिल नहीं निकला तो। यहाँ पे ये ज़्यादा खतरा रहता है कि ये बिल यहाँ से यहाँ निकल जाते हैं यार, और आसानी से बंद भी नहीं होते हैं।
इसीलिए बहुत परेशान करते हैं, इसलिए हमने ये डोली खींच रखी है वहाँ से। जब तक ये पानी आता है तब तक मैं कुछ काम कर लूँ, इनको फाड़ देता हूँ जल्दी जल्दी। ये भी साफ हो जाएगा डोला, यहाँ पे भी अड़ंगा नहीं रहेगा और वही काम भी हो जाएगा। देखता हूँ कितना काम होता है ये। और भाई ये फटा आखिरी तो नहीं है, उस तरफ से थोड़ा रहता है। ये पानी भी अभी यहाँ पे आ चुका है, बहुत जल्दी जल्दी फाड़ा है वही मैंने ये डंगा, बिल्कुल पसीने आ गए हैं। देखो थोड़ा ही पीछे है, पानी आ गया है, अब ये बंद करना पड़ेगा। पूरी डोली साफ़ कर दी है मैंने, लेकिन वहाँ से थोड़ी रहती है। वहाँ से थोड़ी क्यों रह गई, क्योंकि भाई ये पानी पहले चल पड़ा था और मैं वहाँ पे चप्पल पहन के घुस नहीं सकता था, इसीलिए। देखो ये कचरा सारा बाहर निकाल दिया मैंने, इस डोली का साफ कर दिया, बिल्कुल ऐसा हो गया कि चकाचक सपरा मार रखा जैसे। देखो यहाँ से कितनी छोटी छोटी शीशम निकलने लग रही है, देखिए ऐसे ये निकल गया पानी। अब ये बंद करना पड़ेगा, वो तो जल्दी कहाँ से, ये यहाँ से है, यहाँ से अब बंद करना पड़ेगा भाई बंद। यदि ये बंद नहीं किया ना जल्दी से ये बहुत निकलना लग जाएगा, वरना अगर बंद नहीं किया तो ये बहुत जल्दी यहाँ से ऐसे ही पानी निकलने लग जाते हैं बहुत जल्दी। वो तो ये इसका भला है कि अभी निकला है, वरना मैं वहाँ था ये जब निकल जाता तो बहुत मेहनत लगती इसमें। अब तो ये बंद हो गया। ये पानी निकलने से आपको भी पता चल गया होगा कि कैसे यहाँ पे पानी निकलते हैं, और अब तो मैं उसे बंद ही करने वाला हूँ। और बच्चे यहीं पे आ गए हैं तो मैं इनको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखो भाई यह है स्नेक। क्या है ये स्नेक? तू बता। ये स्नेक तो खाते हैं। और तुम बताओ स्नेक। क्रिस अच्छे से बताएगा क्या है ये स्नेक। नहीं ये केंचुली है, ये स्नेक की केंचुली है, आपको नहीं पता। अब हम चलते। तो इसने नालायक ने वो केंचुली फाड़ दी, नालायक। इसको आंखों पर लगाने से आंखें दुखनी नहीं आती हैं। जाओ अब खेल लो, जाओ भैया खेल लो, टाटा बाय बाय, थैंक यू। अब हम चलते हैं आगे। और मैंने बच्चों से जब केंचुली दिखाई तो वो डर गए थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं डरे थे। तो अब आते वक्त मेरी चप्पल टूट गई भाई, तो मैंने उसका कुछ जुगाड़ किया है, दिखाऊं आपको? ये देखना, ये चप्पल टूट गई थी तो मैंने उसका कुछ इस तरह से जुगाड़ कर लिया। अब ये घर तक आसानी से चल सकती है, घर तक नहीं टूटेगी। घर पर जाकर देखेंगे इसका क्या करना है। तो भाई अब मैंने जो इसमें पानी चल रहा है इसमें से बंद करके इस में करना है पानी को इसमें करके फिर वही बरोटो को बंदवा के फिर चलेंगे घर की तरफ। अब पानी इस किले में से इस किले में आ रहा है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे, दिख रहा है ना, आ रहा है। ये मतलब भर चुका है और अब इसमें करना है, जो कि 3 बीघे वाली क्यारी है और इससे अगली 2 बीघे वाली मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था। और अब वहाँ से यहाँ पानी लाना है, हम पानी लाते हैं और इस किले में पानी चल रहा है इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से पानी इसमें एंटर करेगा और आगे से पानी को खोल देंगे। अरे पानी इसमें नहीं चल रहा, पानी इसमें चल रहा है भाई, 2 बीघे वाली क्यारी में चल रहा है। मैंने सोचा कि इसमें पानी चल रहा है, इसमें पानी नहीं चल रहा है, पानी इसमें चल रहा है। आपको दिखाता हूँ आगे जाके। अब हमने ये बंद करना है और यहाँ से खोलना है, यहाँ से ये खोलना है और वो बंद करना। काम करते हैं स्टार्ट। अब हमने इसको करना है स्टार्ट।
लग गया नाका, हो गया पानी आगे की तरफ चालू। अब ये भर जाएगी और फिर आपको आगे दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे सन कितना अच्छा लग रहा है, नीचे वाटर में इसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, कैसे चमक रहा है। अब थोड़ी देर में यहाँ पे सनसेट होगा, बहुत अच्छा होता है। यदि टाइम रहा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, वैसे तो हम चले जाएंगे, अगर टाइम रहा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अब सनसेट होने वाला है, यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है, थोड़ा हाँ बादल से है ना, इसलिए थोड़ा ऐसा नज़र आ रहा है। देखिए अब यहाँ से थोड़ा और नीचे जाएगा ना तब वो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।